हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फैक्शन के बारे में जिन्होंने मेन रोस्टर पे जाके एकदम तहलका मचा के रख दिया है, यानी कि रिट्रीब्यूशन के बारे में। गाइस, जब से हमें इनका डेब्यू देखने को मिला है मंडे नाइट रॉ में, काफ़ी लोगों के मन में बस एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर ये रिट्रीब्यूशन WWE में क्यों आई और इसके पीछे कौन कौन से WWE के सुपरस्टार होने वाले हैं और क्या इवन इसके पीछे बिग डॉग रोमन और सीएम पंक का भी हाथ होने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। चलिए चल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले छोटी मोटी एक समरी जान लेते हैं रिट्रीब्यूशन के बारे में। गाइस, अगर आपने एक वीक से पहले का यही बोले कि एक मंथ से मंडे नाइट रॉ को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले रिट्रीब्यूशन का हमें डेब्यू देखने को मिलता है। वो लोग क्या करते हैं कि जनरेटर में आग लगा देते हैं, और जैसा है गाइस अभी आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज भी यही शो कर रहा है कि ये लोग कुछ और कांड नहीं करते हैं बल्कि यही कांड करते हैं। और उसके बाद गाइस होता क्या है, ये लोग दोनों रोस्टर पर जाते हैं, यानी कि मंडे नाइट रॉ और इवन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि बस तहलका ही मजाते हैं। और उसके बाद से ही गाइस ये जो फैक्शन है वो पूरा फेमस हो जाता है वर्ल्ड में और इवन WWE यूनिवर्स में, और सभी लोगों के मन में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और जैसा है गाइस, अगर आपने इस वीक का मंडे नाइट रॉ को फॉलो किया होगा तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये लोग जब मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्ट्रियो एंड रे मिस्ट्रियो वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस बडी मर्फी के बीच में, ये बोले कि बडी मर्फी के साथ टैग टीम में मैच हमें देखने को मिलता है। तो गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी चले जाते हैं, और उसके बाद गाइस होता क्या है, बलि का बकरा बन जाते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो एंड रे मिस्ट्रियो, और उसके बाद गाइस होता क्या है, उन पे अटैक देखने को मिलता है। और जैसा है गाइस अभी आप इमेज में देख रहे हैं वहां पे 6 मेंबर को दिखाया गया है, यानी कि वहां पे यानी कि रिट्रीब्यूशन के पूरे 6 मेंबर रहते हैं जो कि अटैक करते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, तो गाइस नंबर 1 पे फीमेल रेसलर का नाम चल रहा है, वो और नहीं बल्कि सेंटेना गैरिट है। जैसा है गाइस अभी आप पोज को देख रहे हैं, आपको मालूम चल गया होगा कि इसके पीछे और नहीं बल्कि सेंटेना गैरिट है। और गाइस अभी यही रूमर्स आ रहे हैं कि इसके पीछे और नहीं बल्कि सेंटेना गैरिट का हाथ है। और गाइस ऐसे ही भी अपडेट आ रहे हैं कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेना गैरिट का पोज ले लेते हैं कभी कभी चेल्सिया ग्रीन, और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि चेल्सिया ग्रीन का पोज को यही बोले कि स्पॉट को लेती हैं सेंटेना गैरिट। तो गाइस ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जब डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे अटैक हुआ था तो वो और नहीं बल्कि सेंटेना गैरिट अटैक की थी, चेल्सिया ग्रीन नहीं। और गाइस नंबर 2 पे नाम चल रहा है मेल रेसलर का, और वो और नहीं बल्कि डियो मेडिन का। गाइस आपको पता हो कि डियो मेडिन पहले क्या करते थे कि मंडे नाइट रॉ में कमेंट्री को ज्वाइन करते थे और वहां पे कमेंट्री करते थे, लेकिन गाइस होता क्या है, जब से उन पे ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया है आज तक हमें उनका रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो गाइस ऐसे जैसा कि अभी आप उनका हैंड को देख रहे हैं या ये बोले कि उनका हाथ को देख रहे हैं, हाथ का जो उनका कलर है वही सबसे बड़ा आइडेंटिटी है कि इसके पीछे और नहीं बल्कि डियो मेडिन है। और जैसा है गाइस डियो मेडिन का अपने हाइट को देखा हो तो काफी सारे लंबे चौड़े हैं, इवन जब वो ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा होते हैं तो ब्रॉक लेसनर से भी लंबे हैं। तो गाइस ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे किसी और ने नहीं बल्कि ऐसा हुआ था कि डियो मेडिन ने ही अटैक किया था। और गाइस नंबर 3 पे नाम चल रहा है, और ये तो 100% श्योर है कि ये और करने बल्कि डोमिनिक डाइजोकोविक की हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी दिन पहले मैंने एक अपडेट दिया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मेन रोस्टर में काफ़ी डेब्यू के क्लोज आ चुके हैं हम डोमिनिक डाइजोकोविक का। तो जैसा है गाइस अभी आप इस फोटो को देख रहे हैं, ये क्या पोज ही सबसे बड़ा आइडेंटिटी है कि इसके पीछे और नहीं बल्कि डोमिनिक डाइजोकोविक का ही हाथ है। जैसा है गाइस अभी आप पोज को देख रहे हैं जब फोटो शूट हुआ था तब का है, और ये गाइस जब फोटो जब क्लिक किया गया था जब डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे अटैक हुआ था तब का है। तो गाइस ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि इसके पीछे और नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्ट्रियो का पे और रे मिस्ट्रियो पे डोमिनिक डाइजोकोविक ने ही अटैक किया था। तो गाइस नेक्स्ट आइडेंटिटी को रिवील करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे अपडेट अपने चैनल पर सबसे पहले फास्टली प्रोवाइड करवाता हूँ। और गाइज नंबर 4 पे नाम चल रहा है सेन थ्रोन का। गाइज आपको पता हो कि रेसलमेनिया 36 के बाद हमें सेन थ्रोन एंड ब्रेंडन विंग का डेब्यू देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ में, और उसके बाद गाइज होता क्या है, जो इनके एक टैग टीम रहते हैं वो चले जाते हैं NXT में। और जैसा है गाइज अभी आप इमेज में देख रहे हैं, पोज की तो बात नहीं की जा रही है, लेकिन गाइज जैसा कि बॉडी शेप हमें देखने को मिल रहा है, गाइज ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि इसके पीछे और नहीं बल्कि सेन थ्रोन का ही हाथ है, जो कि रे मिस्ट्रियो और इवन डोमिनिक मिस्ट्रियो पे भी अटैक किए थे। और गाइज नंबर 5 पे नाम चल रहा है फीमेल रेसलर
रेसलर का और वो फीमेल रेसलर और कहीं बल्कि NXT के हैं, यानी कि मिया यिम। गाइस जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, आपको पता चल गया होगा कि इसके पीछे और कहीं बल्कि मिया यिम का ही हाथ है, जिन्होंने डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे अटैक किया था। जैसा कि गाइस मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, किसी लोगों का हैथ ही बड़ा आइडेंटिटी है, किसी लोगों का मतलब जैसा कि पोज ही सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। तो गाइस ऐसे रूमर्स आ रहा है कि इसके पीछे और कहीं बल्कि ऐसे हुआ था गाइस कि इसके पीछे मिया यिम का ही हाथ था, जिन्होंने डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे अटैक किया था। और गाइज लास्ट पे नाम चल रहा है वो और किसी का नहीं, जैसा कि गाइज अभी आप देख रहे हैं केडन कार्टर का। और गाइज इसके पीछे और भी काफ़ी सारे मेंबर का नाम चल रहा है कि इसके पीछे शायद वैनेसा बॉन्ड भी हो सकती हैं, लेकिन गाइज वैनेसा बॉन्ड का आइडेंटिटी यह है कि उनका जो कर्ली हेयर है वही सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। और जैसा कि गाइज अभी आप इमेज में देख रहे हैं, तो गाइज जो ये इमेज हमें देखने को मिला था जो मंडे नाइट रॉ से लीक होकर आया है, उसके पीछे वैनेसा बॉन्ड का नहीं बल्कि केडन कार्टर का हाथ है और वही डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पर अटैक की थी। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि पूरे 6th मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि डोमिनिक मिस्ट्रियो और इवन रे मिस्ट्रियो पे अटैक करते हैं। और गाइज मैंने आपको 6th मेंबर तक का सारे का आइडेंटिटी मैंने बता दिया कि जो जो लोगों ने जिन पे अटैक किया, यानी कि डोमिनिक मिस्ट्रियो और रे मिस्ट्रियो पे अटैक किया। तो गाइज कुछ यही अपडेट आई थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता दूँ, जैसा है गाइज आपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को फॉलो किया होगा तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें 12 मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं फिंड और ब्रॉन्ज स्टोन पे, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है। तो गाइज ऐसे अभी बैकस्टेज रूमर्स आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो मतलब WWE जिस सुपरस्टार को यूज कर रही है, जब हमें अनमास्क देखने को मिलेगा तो वो सारे सुपरस्टार नहीं होंगे बल्कि वहां पे कोई और सारे सुपरस्टार होंगे, या ये बोले कि बस कोई एक स्पॉट लिए के यूज किया जा रहा है उसका। और जब अनमास्क होगा तो वहां पे काफी बड़े बड़े सुपरस्टार का नाम हमें देखने को मिलेगा। जैसा गाइज मैंने आपको बताया कि 100% कंफर्म है कि उसके पीछे डोमिनिक डेजकोविक का हाथ है, कि ऐसा हो सकता है कि डोमिनिक डेजकोविक का हमें मेन रोस्टर में डेब्यू देखने को मिलेगा। और एक दो फीमेल रेसलर का भी नाम है जो कि हमें उनका भी जल्दी हमें डेब्यू देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने एम्बर मून के बारे में बताया, तो एम्बर मून का तो हमें मेन रोस्टर में डेब्यू देखने को मिल गया है। और गाइज स्टिल अभी कुछ का नाम चल रहा है, और गाइज जैसा कि मैंने आपको वहां पे शो किया था कि रोमन रेंज भी है इसके पीछे। तो गाइज ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि विंस के बैकस्टेज प्लान है कि कुछ दिन के बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंज अपने आप को रिवील करेंगे कि वही है मिस्ट्री रिट्रीब्यूशन के हेड मेंबर, और वो हैंडल कर रहे हैं मिस्ट्री रिट्रीब्यूशन को। कि गाइज ऐसे क्योंकि मालूम हुआ गाइज कि जब हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलता है समर स्लैम 2020 में, तो उनके टी शर्ट पे क्या लिखा रहता है, रेक एवरीवन एंड लीव, यानी कि सबको तोड़ो फोड़ो और वहां से छोड़ के चले जाओ। और गाइज हमें कुछ ऐसा ही मैसेज अभी देखने को मिल रहा है रिट्रीब्यूशन का, रिट्रीब्यूशन हर ब्रांड पे जा रहे हैं, इवन NXT को छोड़ के NXT को लोग नहीं जा रहे हैं, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ पे जा रहे हैं, वो वहां पे जाके अटैक कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो हेड मेंबर और नहीं बल्कि बिग डॉग रोमन रेंज होने वाले हैं। और ऐसा होगा गाइज कि जब कुछ दिन के बाद हमें इन लोगों का अनमास्क देखने को मिलेगा, तो काफी सारे शॉकिंग हमें सुपरस्टार का डेब्यू या ये बोले कि रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बस एक ही मन में एक क्वेश्चन आएगा, OMG ऐसा भी हुआ है क्या। तो गाइस बस यही जो कुछ आइडेंटिटी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।